नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए लगातार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा के मार्गदर्शन में 3 जनवरी 2022 को रात्रि काल में आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर संभागीय, उड़नदस्ता संभाग रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग एवं बिलासपुर संभाग तथा जिला रायपुर, जिला दुर्ग, जिला बिलासपुर के आबकारी कार्यपालिका अधिकारियों की टीम द्वारा रायपुर जिले में स्थित 12 होटल बारों 13 ढाबों में आकस्मिक जांच की कार्यवाही की गई। सचिव एवं आबकारी आयुक्त निरंजन दास के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिले के देशी एवं विदेशी शराब दुकानों में आबकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 3 जनवरी को छापामार कार्यवाही की गई। जिला बालोदाबाजार भाटापारा स्टाफ द्वारा 4 जनवरी 2022 को सूचना के आधार पर सुहेला से हथबंद मार्ग में खिलौरा ग्राम के पास नाका लगाकर आरोपी दिलीप चौधरी के अधिपत्य से बोलेरो DI वाहन रजिस्टर नंबर CG5AJ1397 में 50 गत्ते के कार्टून में 50-50 न कुल 2500 पाव विदेशी मदिरा गोवा मध्य प्रदेश राज्य निर्मित एवं विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 450 बल्क लीटर अवैध रूप से वाहन के पीछे ट्रॉली में रखा जब्त किया। इसी प्रकार जिला दुर्ग के चिन्हित क्लब होटल बार संख्या 3 केंद्रों की आकस्मिक जांच कार्रवाई की जाने पर मात्र एक केंद्र फॉर सीजन FL4 का दुर्ग में 105 नग बियर, 2 नग विस्की जब्त कर अनियमितता पाई जाने पर प्रकरण कायम किया गया। रायपुर स्थित FL4 के 2 केंद्रों क्रमश कैरियोके बार एवं OTY बार में अनियमितता पाई जाने पर आरोप पत्र दिए गए। इसी तरह FL3 होटल बार के 4 केंद्रों में सामान्य अनियमितता पाई जाने पर आरोप पत्र दिए गए। एक ढाबा में सामान्य मदिरा पान ग्रह का प्रकरण कायम किया गया। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता संभागीय, उड़नदस्ता संभाग रायपुर एवं रायपुर जिले की संयुक्त टीम गठित द्वारा बिलासपुर जिले में स्थित चिन्हित बार संख्या 6 केंद्रों एवं चिन्हित ढाबा संख्या 6 केंद्रों की आकस्मिक जांच कराई जाने पर FL4 के 2 केंद्रों क्रमश FL4 के पेट्रिशियन वेलफेयर सोसायटी क्लब बिलासपुर एवं FL4 एमिगो सोसायटी बिलासपुर में अनियमितता पाई जाने पर एवं FL3 2 केंद्र क्रमश 32 केंद्र क्रमशः रेड चिली बार बिलासपुर एवं FL3 होटल हेवंस बिलासपुर बार के आकस्मिक निरीक्षण पर अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण कायम किए गए। उपरोक्त क्लब एवं बार जांच में कुल 98.6 लीटर जब्त मदिरा की गई। बिलासपुर रायपुर रोड पर स्थित ढाबा की आकस्मिक जांच की जाने पर ढाबा खालसा पंजाबी ढाबा बिलासपुर रायपुर रोड में आबकारी अधिनियम कर धारा 36A के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया है। उक्त कार्यवाही से सभी ढाबा बार संचालकों एवं अवैध शराब बेचने में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग द्वारा इसी प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।